किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अपना पशु चिकित्सक एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम अपने पशुपालकों को ये बताते हैं कि कैसे आप अपने पशुधन का बेहतर स्वास्थ्य के रूप से ख्याल रख सकते हैं और उनसे कैसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारा पशुधन कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और हमारे पशुपालकों के जीवन में आजीविका के तौर पर देखा जाए तो उनको एक परस्पर बहुत ही अच्छी तरीके से उनको आजीविका भी प्रदान करते हैं। ऐसे में अपने पशुओं के प्रति हमारे पशुपालकों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका सही समय पर सही तरीके से देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है ताकि आपको सही तरीके से लगातार आप उनसे उत्पादन अच्छे से लेते रहें। अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में हर बार हम आपके पशुओं से जुड़ी हुई अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो आप अपने सवाल भी सीधा इस कार्यक्रम से जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले इस विषय पर नज़र डाल लेते हैं। अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, वो विषय रहेगा गर्भावस्था और प्रसव के बाद पशुओं की देखभाल। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपने पशुओं की देखभाल किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या बातें आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपके पशु के उत्पादन क्षमता पर कोई फर्क ना पड़े और आपके पशु आगे चलकर भी स्वस्थ रहें। अब इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी आपके मन में संशय है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, 1800-113-0060, इसके अलावा 1800-113-0061। फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपके टेलीविजन की आवाज़ कम हो और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके, आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है dd@apc@gmail.com। इसके साथ ही आज के जो मुख्य मेहमान हैं, जो विशेषकर अतिथि हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, एक बार उनसे भी मैं आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में, सर आपका बहुत स्वागत है, आप पशु चिकित्सक हैं। चर्चा की हम शुरुआत करें, डॉक्टर अशोक कुमार जी जिस तरीके से आज हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण विषय है और अगर इन बातों इस विषय को नज़रअंदाज किया जाए तो पशुपालकों को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम पशुधन जब रखते हैं तो ये आवश्यक है कि हर साल, अगर गाय है तो हर साल ब्याती रहे, भैंस है तो 13-14 महीने से ब्याती रहे। अगर गर्भावस्था के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो नेक्स्ट हम संतति नहीं ले पाएंगे और उससे हमें दूध का और नेक्स्ट जो संतान आ रही है उसका लॉस होगा जी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम गर्भावस्था के दौरान पशु का पूरा ध्यान रखें। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, हम बात करें उसके खाने पीने से संबंधित, तो जनरली क्या करते हैं कि जब पशु गाभिन होता है और दूध देने में टल जाता है तो हम उनको खाना पीना जो चाटा है वो देना बंद कर देते हैं जी। जबकि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो अंतिम जो तीसरे महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए आवश्यक है कि वो उसको खाना पीना दाना सही मात्रा में अंतिम समय तक देते रहें। और एक यहाँ महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने की कि जनरली कुछ गायें ऐसी भी होती हैं, भैंसें ऐसी भी होती हैं जो पूरे अपने कार्यकाल में दूध देती रहती हैं, हालांकि कुछ टल भी जाती हैं लेकिन कुछ दूध देती भी रहती हैं। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कम से कम हम 1.5 महीने दूध छोड़ें ताकि जो नेक्स्ट टाइम में हमें जो दूध मिले वो पूरी अच्छी मात्रा में मिले और उसमें पशु में रोग भी कम हो। बिल्कुल। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अगर चाहते हैं कि हमें रेगुलर पशु ब्याता रहे और अच्छा दूध देता रहे तो गर्भावस्था के दौरान उसकी अच्छी सेहत रखना आवश्यक है जी। तो कुछ एक महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर अशोक कुमार जी ने आपको बताई हैं, इसके अलावा कुछ और बारीकियों पर नज़र डालेंगे लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं। पशु पालन में उत्पादन बढ़ता रहे और पशुधन में भी इजाफा होता रहे, इसकी तैयारी तब से ही कर लेनी चाहिए जब पशु गाभिन होता है,
क्योंकि स्वस्थ पशु से ही स्वस्थ बच्चे की कामना की जा सकती है। गर्भकाल के अंतिम 3 महीने में पशु को खास देखभाल की जरूरत होती है। इस दौरान पशु को नियमित आहार के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व से भरपूर आहार देना चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को उचित पोषण मिल सके। हालांकि पशु का वजन 20 से 30 किलो तक बढ़ भी जाता है, गाभिन पशु को कोई परेशानी ना हो इसलिए पशु पालकों को कई और अहम बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे गाभिन अवस्था में पशु को दौड़ने से बचाना चाहिए, पशुशाला के फर्श में पुआल बिछा दें, पशु के आहार में 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना दें, पीने के लिए स्वच्छ व ताजा पानी दें। गर्भधारण की 6-7 माह की अवस्था में पशु को पर्याप्त कैल्शियम दें। बीमारी से सुरक्षा के लिए पशु को जरूरी टीके लगवाएं। पशु चिकित्सक से गाभिन पशु की सेहत और गर्भ की जांच करवाते रहें। गाय 280 तो भैंस लगभग 310 दिन में बच्चा देती है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद भी कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। नवजात बच्चे का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। नवजात के नाक व मुंह को साफ करें। जन्मे बच्चे को माँ का पहला दूध यानी खीस दें। जन्म होने पर माँ के द्वारा पशु को चाटने दें। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए पहले से प्रबंध करके रखें। बच्चे को पवासने के लिए पर्याप्त दूध दें। 3 माह बाद बच्चे को हरा चारा और भूसा दें। प्रसव के बाद माता के द्वारा चाटने से नवजात में खून का संचार बढ़ता है। प्रसव के 1 से 2 घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। ऐसा करने से माता के शरीर में ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जिससे जेर जल्दी गिरने में सहायता मिलती है। प्रसव के बाद शुरुआती आहार में खासा ध्यान दें। पशुपालक इस बात का भी ध्यान रखें कि पशु का पूरा दूध एक साथ ना निकालें, बल्कि दूध को थोड़ा थोड़ा करके निकालें। तो रिपोर्ट में हमने देखा कुछ बारीकियों पर नजर डाली, किस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखकर अपने पशुओं की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, विपिन हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल सर मेरा ये था कि हमारी भैंस है, गाभिन है, लगभग 7 महीने हो गए हैं और सर उसको नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अधिक डोज वाली दवाइयां भी नहीं ले सकते, तो क्या उपचार होना चाहिए और घरेलू उपाय हो तो वो बताएं। और दूसरा सवाल मेरा था सर से कि गाभिन के बाद भैंस ब्याह जाती है तो उसके बाद खान पान कैसा रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हरा चारा को बहुत कम देते हैं। जी 2 महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने किए डॉक्टर अशोक कुमार जी। गाभिन भैंस से नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, क्या समाधान है, उसके बाद ब्याने के बाद क्या खान पान के प्रबंधन होने चाहिए? देखिए मुख्यतः अगर नाक से पानी आ रहा है तो हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो, तो एक बार आप उसको दिखाएं। दूसरा अगर आपने कुछ पिलाया हो उसको, कई बार पशुपालक जब पिलाते हैं ऊपर से कुछ भी लिक्विड के रूप में, तो वो गले में न जाके उसके श्वास नली में चला जाता है और उसके कारण उसको इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में, फेफड़ों में। तो आप एक बार निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह लें, एक बार चेक करवाएं, ताकि आपको पता चले कि सिंपल जो आपको जुकाम, अपन सिंपल भाषा में बात करें, वो लगा है पशु को, या ड्रेंचिंग निमोनिया जिसे हम बोलते हैं, कोई लिक्विड या तरल पदार्थ पिलाने से वो हुआ उसको। ये आप जो नाक से पानी है वो बात हुई। दूसरी बात आपने ये कही कि ब्याने के बाद उसको क्या खिलाएं। देखिए ब्याने के तुरंत बाद हम चाहते हैं कि जो उसका गर्भाशय है और जो उसका अंडाशय है वो वापस सही स्थिति में, नॉर्मल पोजीशन में आए। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप उसको संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में जो चाटा बाटा आप देते हैं वो तो आप दें ही, लेकिन इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ हरा चारा कम मिलता है, तो उसको मिनरल मिक्सचर चाटे में मिला के आवश्यक रूप से दें, ताकि उसको सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं उनकी उसको पूर्ति होती रहे। और साथ में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो आप चाटा दे रहे हैं उसमें 1/3 हिस्सा अपने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, मतलब जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों, जैसे कि जो अपने धान होते हैं, जैसे गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, ये इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, और जो आपकी खल है, बिनोला है, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि 1/3 हिस्सा
वो कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में जो धान होते हैं वो दें आप उसको जी। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखें जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा समय की यहाँ कमी की वजह से, आपको मैं फिर से मौका दूंगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन विपिन जी, मोटे मोटे तौर पर आप इस बात का समाधान ध्यान रखकर अपने जो पशु की देखभाल कर सकते हैं प्रसव होने के बाद। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक। IPL Biologicals फसल को कीड़ों रोग दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा, मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल IPL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक दर्शक और हैं जो फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, संदीप हैं दामू मध्य प्रदेश से। संदीप जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। संदीप जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। संदीप जी अपनी टीवी की आवाज आप कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर अपना सवाल पूछिए। हमारी एक गाय है जी, वो लगभग हेलो जी जी, अपनी टीवी की आवाज कम करके अपना सवाल पूछिए। हेलो जी संदीप, संदीप जी अपनी टीवी की आवाज कम करिए और अपना सवाल पूछिए। जी सर, हम दमोह मध्य प्रदेश, ये हमारी गाय है सर, वो सर गर्मी पे नहीं आ पा रही है जी। कितने साल की गाय है? लगभग 2.5-3 साल की हो गई। 2.5-3 साल की हो, पहली बार ही, आज तक कभी भी हीट में नहीं आई है। संदीप जी क्या इससे पहले आपने, चलिए संपर्क टूट गया है डॉक्टर अशोक कुमार जी। हाँ, तो मैं इस समस्या के बारे में आपका जिक्र करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आपकी गाय 2.5-3 साल की हो गई है और वो हीट में नहीं आ रही है, तो आप उसको संतुलित आहार आवश्यक रूप से दें, क्योंकि जनरली क्या होता है जब गाय गाभिन नहीं होती है या दूध नहीं दे रही होती है तो उसे चाटा बाटा नहीं दिया जाता। तो आप इसको एक तो चाटा बाटा आवश्यक रूप से दें, भले ही आप दलिया ही दे दें, बाजरी का दलिया ही दे दें, और उसमें लगभग 40-50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देवें, तो जब उसको सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी तो वो हीट में आने लग जाएगी। इसके अलावा फिर भी समस्या हो तो आप डॉक्टर को एक बार चेक करवाएं। जी संदीप जी, आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दर्शकों के हमें ईमेल प्राप्त हुए हैं, उनके सवालों को मैं आपसे पूछ लेता हूं। शिवराज जी हैं राजस्थान से, वो जानना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में गाभिन पशुओं का और जो प्रसव होने के बाद पशुओं का इन्फेक्शन का डर बढ़ जाता है, ऐसे में पशुओं की देखभाल किस तरीके से करना आवश्यक हो जाता है और किन बातों की बहुत ज़्यादा रूप से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बारिश के मौसम में जब आप उनको चारा देते हैं, कई बार उखाड़ के देते हैं, तो मिट्टी वगैरह उसके साथ में न जाए, ये आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। और बारिश के मौसम में जो परजीवी हैं उनका संक्रमण का चांस भी बढ़ जाता है। अगर पशु गाभिन है तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो उसको नहीं दी जानी चाहिए, जैसे कि आप कुछ टीकाकरण नहीं किए जाने चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें, अपने हिसाब मुताबिक न दें उसको, कोई भी परजीवी मारने के लिए दवाई दे रहे हैं डॉक्टर से सलाह से दें। कुछ ऐसी हैं जो दे सकते हैं गाभिन को, कुछ ऐसी हैं जो गाभिन को नहीं दे सकते जी। तो आप वो ही दें। और दूसरा एक चीज़ आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें, जो गाभिन पशु हैं उनको अगर आप बड़ा फार्म चलाते हैं तो उनको बाकी पशुओं से 3rd महीने में अलग कर लें, ताकि उनकी जो देखभाल है वो सही तरीके से रख सकें। उनके जो खाने की जो जगह है, बैठने की जगह, वहाँ कीचड़ नहीं होना चाहिए, वरना उनके कीचड़ रहेगा, थनों में इन्फेक्शन होगा और मेस्टाइटिस डेवलप हो जाएगी। और अगर वो जो खाने की जगह है वहाँ रहेगा तो भी इन्फेक्शन अंदर जाएगा, तो साफ सफाई का ध्यान रखें जी। एक और दर्शक इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, शिव प्रसाद हैं मध्य प्रदेश से। शिव प्रसाद जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। शिव प्रसाद जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। शिव प्रसाद जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए जी। मेरी भैंस 5 साल की हो गई है, झोंट पाले भी नहीं आ रही सर जी। भैंसे हैं जो आपका, भैंसे पाले में आती हैं, कई बार पता भी नहीं लगता है, क्योंकि भैंसे गूंगी हीट जिसको बोलते हैं, मतलब वो हीट में आती तो हैं
लेकिन वो बोलती नहीं है, भैंसों में एक समस्या है जी। तो आप ये आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि उनकी पूंछ के पीछे क्या जो अपन जेरा या तांता जो भी बोलते हो आप अपनी लोकल भाषा में, वो दे रही हैं क्या। अगर वो दे रही हैं तो वो हीट में ही हैं, आप ये मान के चलिए। इसके लिए आप उनको, सबसे बढ़िया समय है सुबह और शाम का समय, सुबह जब वो बैठी रहती है, शाम को जब वो बैठी रहती है, तो उसकी पूंछ के पास देखिए वो जेरा या तांता लगा हुआ है क्या। अगर वो लगा हुआ है तो इसका मतलब वो हीट में है। फिर भी आपको लग रहा है हीट में नहीं आ रही, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसको चाटा बाटा देवें। जनरली अगर प्रेग्नेंट नहीं होती या दूध नहीं देते तो हम चाटा बाटा नहीं देते हैं, चाटा बाटा भी देवें और साथ में उसके साथ लगभग 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देवें ताकि उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके और वो हीट में आ सके जी। वरना फिर अपने पशु चिकित्सक को राय लें वहाँ से जी। तो ये समाधान है आपका शिवप्रसाद जी, आप इस तरीके से अपनी भैंस की देखभाल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक। IPL Biologicals फसल को कीड़ों रोग दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए, तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा, मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल IPL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, अनमोल तिवारी बिहार से हैं। अनमोल जी अपना सवाल पूछिए। अनमोल जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। अनमोल जी मेरा सवाल ये है कि मेरी जो गाय है वो 4 मंथ से जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है जी 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 मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? अरे सुनाई दे रहा है, पूछिए पूछिए। अनमोल जी अपना सवाल पूछिए। 4 मंथ से सीमन चढ़ने के बाद भी वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है जी, गर्भधारण नहीं कर पा रही है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा जी? डॉक्टर अशोक कुमार जी देखिए, ये आप जो समस्या बता रहे हैं उसका ऐसा लग रहा है कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, कि आप बार बार गर्भधारण करवा रहे हैं लेकिन वो रह नहीं रही है। तो देखिए रिपीट ब्रीडिंग की समस्या के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो जो अपने भारत में देखा गया है वो इन्फेक्शन है जी। अगर अंदर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन होगा गर्भाशय में तो गर्भधारण नहीं करेगा। आप ये देखिए कि उसके जो पीछे आप जेरा या तांता जो भी लोकल भाषा में आप बोलते हैं वो साफ आ रहा है, जो पानी पीछे देती है ना हीट के टाइम वो एकदम साफ आ रहा है, कांच की तरह आर पार दिखने वाला, जैसे आर पार दिखता है। अगर उसमें थोड़े बहुत भी कोई मवाद के फ्लैक्स हैं, धुंधला है, तो इसका मतलब या गूदला जो आप लोकल भाषा में बोलते हो वैसा है, तो उसमें इन्फेक्शन है। इसलिए सबसे पहले आप उस इन्फेक्शन को ठीक करवाइए, उसके लिए आपको पशु चिकित्सक से अंदर मेडिसिन छुड़वानी पड़ेगी गर्भाशय में। और इसके अलावा कुछ बार समस्याएं रिपीट ब्रीडिंग की ये भी हो सकती हैं कि आप सही समय पे टीकाकरण नहीं करवा, वो जो ज्ञापन का टीका है वो सही समय पे नहीं लगवा रहे हैं। अगर गाय सुबह बोलती है तो शाम को लगवाएं, शाम को बोलती है तो सुबह लगवाएं। और कई गायें अगर लंबी हीट में रहती हैं 2-2, 3-3 दिन तो उतरती हीट में, मुख्य जो रूल है वो है उतरती हीट में आप उसको ज्ञापन करवाएं। इसके अलावा कई बार हार्मोन्स की कमी के कारण भी होते हैं, तो अगर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने के बाद भी ज्ञापन नहीं हो रही है तो पशु चिकित्सक से आप संपर्क करें और वो हार्मोन्स हैं उनका इंजेक्शन लगाएं ताकि वो उसका गर्भधारण रह सके जी। डॉक्टर जी एक दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं जी। अपना सवाल पूछे। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। लक्ष्मण सर मेरे को जानकारी ये चाहिए जी कि गिर नस्ल की गाय लाए थे हमने, 4 महीना तो दूध बढ़िया दिया, मगर 4 महीने के बाद आधा दूध हो गया जी। तो गिर गाय को में समस्या आ रही है कि 4 महीने तक इनको दूध अच्छा मिला, डॉक्टर अशोक कुमार जी? वो अगर पशु ज्ञापन हो जाता है तो उसका दूध गिर जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ज्ञापन नहीं हुआ और अचानक दूध गिर गया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उसके जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया,
कि मिनरल मिक्सचर इनकी कमी के कारण भी इनकी कमी अगर बॉडी में रहती है तो चाहे पशु के बोलने की समस्या हो, चाहे दूध देने की समस्या हो, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। तो एक तो आप उसको मिनरल मिक्सचर का पाउडर दें चाटे में, दूसरा दूध बढ़ाने के लिए कुछ गोलियां आती हैं वो आप पशु चिकित्सक से संपर्क करके वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर पशु ज्ञापन है, ज्ञापन हो चुका है, तो उसका दूध टूटेगा अभी जी। तो लक्ष्मण जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर सुकुमार जी ने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं जिन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछा है, अवधेश हैं लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। वो जानना चाहते हैं कि खुले में प्रसव कराना कितना सही रहता है, क्या हम अपने पशु को बंद कमरे में प्रसव कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या समाधान है इनका? देखिए, बंद कमरे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिसमें एटलीस्ट कम से कम शेड लगा हो ऊपर, और खुला है तो ज़्यादा अच्छा है, पशु को तो खुला ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर शेड लगा हो तो ज़्यादा अच्छा है। एकदम पैक कमरे में तो प्रसव का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वो खुला हवादार जगह होनी चाहिए जी। तो ऐसा आप रखें, ये जरूर आप ध्यान रखें, अगर कुछ नीचे बेडिंग आप लगा सकते हैं, चाहे वो सिंपल घास की बेडिंग हो, तो ज़्यादा अच्छा है जी। और जब पशु ब्याए तो उस वक्त जब कई बार डिस्टोकिया की समस्या हो जाती है कि पशु थोड़ा सा हमें खींचना पड़ता है बच्चे को, उस वक्त आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि यूँ नहीं है कि आपने तुरंत यूँ हाथों से पकड़ के खींच रहे हैं, या जब फिसल रहा है बच्चा तो नीचे मिट्टी में हाथ लगाया आपने और खींचने लगे, हाँ। तो वो मिट्टी से इन्फेक्शन अंदर जाएगा जी, जी। तो आप किसी साफ तौलिए से या साफ कपड़े से उससे बच्चे को खींचें। अब फिर कई बार समस्या क्या आती है, बच्चा जब बड़ा होता है तो 2, 3, 4, 5 जने खींचने लग जाते हैं। वो अगर डिस्टोकिया है, बच्चा अगर उसकी पोजीशन सही नहीं है तो वो बाहर नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि उसकी पोजीशन सही हो, तो पशु चिकित्सक से एक बार आप राय जरूर कर ले लें, उनको बुला लें अगर बाहर नहीं आ रहा है। अब बात आती है कितना जोर लगाएं। अगर पशु आप बच्चे को खींच रहे हैं और पशु साथ में खींच रहा है तो इससे ज़्यादा जोर आप नहीं लगाएं। ये मतलब नहीं है कि आप कितना ही जोर लगा दें बच्चे को खींचने के लिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जी। इसी साथ एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, यसीन है उत्तर प्रदेश से। जी, अपना सवाल पूछें। अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछें। यशवंत जी, यशवंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, जैसे हम पशु लिए थे कहीं से जी, तो सर जो वो 6 महीना गाभन करके दिए थे हमें जी। हेलो जी। जी, जैसे 6 महीने गाभिन करके बताए थे तो हमारे यहाँ वो 1 महीना हो गया जी। तो जैसे सर खिलाते पिलाते हैं तब तो लगता है कि मतलब गाभिन, उसके बाद सुबह पेट जो है बैठ जाता है, इसका जी डाउट है जी। क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, क्लियर तो तभी होगा जब आप एक बार पशु चिकित्सक को बुला के चेक करवाएं कि ज्ञापन है कि नहीं है। यूँ आप संशय में बैठे रहेंगे और बाद में आपको पता चलेगा खाली है। एक यहाँ मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि बच्चा अंदर सूख जाता है, 6-7 महीने पे बच्चा सूखने लग जाता है जी। अब पशु चिकित्सक, वो पशुपालक सोचता है कि यार मेरी तो गाय है वो 9 महीने पे या भैंस 10 महीने पे ब्याह जानी चाहिए थी, लेकिन वो ब्याह नहीं रही है। तो जब आपको ऐसा लगे कि पहले बच्चा घूमता हुआ दिखता था दाई साइड में, अब घूमता हुआ नहीं दिख रहा, या समय है वो ऊपर चला गया है उसके जो नॉर्मल सामान्य गर्भावस्था काल से, तो आप एक बार पशु चिकित्सक से चेक करवाएं जी। आवश्यक रूप से चेक करवाएं ताकि आपको पता लगे वास्तव में पशु ज्ञापन है कि नहीं है, या फिर उसका बच्चा सूख तो नहीं रहा है, इन चीज़ें पता लग सके आपको जी। तो आप इस तरीके से यशवंत जी अपने पशु की जो समस्या आ रही है उसको कंफर्म कर सकते हैं और आगे अपने पशु का जो समस्या है उसका समाधान भी कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार जी, समय की इशारा करा समाप्ति की ओर, लेकिन जाते जाते मैं आपसे आखिरी में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा कम शब्दों में चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें। आपने बताया था कि जैसे पशु आपका गाभिन हो जाए तो 3 महीने में आप उसको अलग कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे जान चाहता हूँ कि 3 महीने के बाद अलग करने के बाद पशुओं को झुंड में जब हम बाहर चरने के लिए भेजते हैं तो क्या भेजना चाहिए, और प्रसव के बाद कितने दिन के बाद उनको झुंड में बाहर भेजना चाहिए चरने के लिए? देखिए, बाहर तो आप भेज सकते हैं क्योंकि पशु है वो जितना चलेगा उतना अच्छा है जी, तो आप उसको भेज सकते हैं। बिल्कुल जो लास्ट के दिन हैं उनमें न भेजिए आप, जो वो पशुपालक को पता चल जाता है जब उसके पीछे के पुट्ठे ढीले पड़ने लग जाते हैं या उसके जो अडर है, गादी है जिसको अपन लोकल भाषा में बोलते हैं, वो भरने लग जाती है, उसके बाद आप अंतिम समय में न भेजें, बाकी आप उसको चरने के लिए भेज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। और प्रसव होने के बाद? प्रसव होने के तुरंत बाद जैसा अभी हमने बताया कि उस दूध बछड़े को जरूर पिलाना चाहिए। ये बड़ी एक लोगों में अवधारणा गलत है कि अगर
जो जहर नहीं गिरी है, अगर हमने दूध पिला दिया तो बच्चे में जहर फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहर है वो बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हार्मोन सिक्रीट होंगे, उससे जहर गिरने में हेल्प रहेगी। और बछड़े को दूध एक साथ बहुत ज्यादा ना पिलाएं, उसके भार का, बछड़े के भार का 10वां हिस्सा ही उसको दूध पिलाएं। अगर ज्यादा दूध आपने पिलाया तो उसको दस्त लगना चालू हो जाएंगे जी। तो वो फिर उसकी मृत्यु तो हो सकती है, तो उसके भार का 10वां हिस्सा दूध उसको पिलाएं बच्चे को जी। जितने पशुपालक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपके पशु गर्भाधारण कर चुके हैं या फिर प्रसव के नज़दीक हैं, तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, किस तरीके से आपको आवास प्रबंधन करना है, क्या खिलाना पिलाना है, और जो बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पशु आपको बिना किसी समस्या के आपके उत्पादन में कमी नहीं आने देंगे और आप उनसे बेहतर लाभ ले सकेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के बाद बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आज का कार्यक्रम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार जी ने आपको महत्वपूर्ण और बारीकियाँ इससे जुड़ी आपको बताई हैं, उनका आप उन पर अमल करेंगे और अपने पशुओं की अच्छे तरह से देखभाल करेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव या कोई भी विचार आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी है ddkisan@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और हमारे कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होता है। इसके साथ ही आज के अपना पशु चिकित्सा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें तब तक डीडी किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।